स्पीकर लगाकर एक चीज बोली जाती है। अभी मेरे को एक वीडियो किसी ने दिखाया, बोले तुमको हमारी मस्जिद के आगे आकर राम राम चिल्लाने की क्या जरूरत है, यहां हिंदू तो है नहीं, तुम्हारे घर के आगे से निकल रहे हो राम राम कहते हो, मस्जिद के आगे क्यों कह रहे हो। दिल्ली में जो हुआ उसके बाद किसी ने ऐसा कहा तो मुझे अचानक से याद आ गया, उन्होंने कहा कि हमारी मस्जिद के आगे राम राम कहते हुए क्यों तुम निकल रहे हो, यहां कोई हिंदू तो है नहीं। जिस मोहल्ले में तुम्हारी मस्जिद होती है 5 बार स्पीकर पे कहते हो कि उस खुदा के अलावा कोई नहीं है, उस मोहल्ले में रहने वाले भी तो सभी मुस्लिम नहीं है, तो वो भी बोलने की क्या जरूरत है, वो भी मत बोलो, वो हमें नहीं सुनना है, तुम्ही को सुनना है ना कि उसके सिवा कोई नहीं, तो तुम अपने घर में बोलो नो प्रॉब्लम, लाउड स्पीकर पे बोलने की क्या जरूरत है। तुम्हारे लिए तुम्हारा खुदा सब कुछ है और मेरे लिए मेरा राम सब कुछ है, मेरे लिए मेरा कृष्ण सब कुछ है। जब हम तुम्हारे खुदा का नाम लेने से तुमको नहीं रोक रहे तो तुम हमारे राम का नाम लेने से कैसे रोकोगे। हु आर यू, हम चाहे तुम्हें मस्जिद के आगे ले, हम चाहे तुम्हारी सड़क के आगे ले, चाहे हम अपनी सड़क के आगे ले, हम चाहे किसी भी शहर में ले, ये हमारी चॉइस है। क्यों? राम इज एवरीवेयर, कृष्ण इज एवरीवेयर, जहां जहां निकलेंगे राम कृष्ण हम वहां नाम ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते बताओ, जोर से बोलो, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अगर तुम इस बात का ध्यान रखो कि इस मोहल्ले में शहर में सारे मुस्लिम नहीं होते, स्पीकर हटा दो, तो हम भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस गली में हिंदू है कि नहीं। अगर तुम्हें ध्यान नहीं रखना है तो फिर तुम समझ लो, फिर हम तो फिर मतलब फिर हम ही हैं। तुम 5 बार करोगे, हम दिन में 4 घंटे बोलते कथा, और फिर बोलो हम का कर सकते, हम तुम्हारे घर में आके, घर में मैं तो पहुंच ही रही है ना YouTube के माध्यम से, हम तुम्हारे घर में बैठे, तुम ऑन तो करो, राधे राधे बोलना ही पड़ेगा, फिर सुनने के बाद जोर से बोलना पड़ेगा। और एक सलाह भी दे देते हैं, सच्ची मानना, बिना सनातनी बने मुक्ति नहीं होगी, अगले जन्म में बनो या फिर इसी जन्म में सुधरो, जो मनाए सो करो। अगर इसी जन्म में कल्याण करना है तो आ जाओ हमारे संग, चल पड़ो, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार तो हम सब कर सकते हैं, इसके लिए तो बहुत अच्छी बात हमारी सांसद महोदया ने कही थी, और मैं साधुवाद दूंगा, और मैं एक प्रार्थना करूंगा अपने भारत के सभी नेताओं से, पार्टी चाहे तुम्हारी जो भी हो, गाइडलाइन तुम्हारी पार्टी की चाहे जो भी हो, लेकिन एक गाइडलाइन कभी मत छोड़ना कि राम के हैं और राम हमारे हैं, सबसे पहले राम है, पीछे कोई काम है, जो राम का ना हो सके वो किस काम का होगा। इसलिए ये कुर्सी वुर्सी पद प्रतिष्ठा धन दौलत शौहरत जो इस बात की लौंजड़ है, पहला है हम राम के हैं और उसके काम के लिए भगवान ने हमको पैदा किया है, हमें जो मिला है वो धर्म की रक्षा के लिए मिला है, चाहे पद मिलाओ चाहे सम्मान मिलाओ चाहे मान प्रतिष्ठा मिली हो, धर्मो रक्षते रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप सब भी जितने लोग यहां बैठे हैं, कुछ ना कर सको तो अपने बच्चों को राम का दीवाना बना दो, बस इतना तो करो। आज हमारे घरों में भी इस बात की कमी हो रही है, हमारे बच्चे उतने धर्म के प्रति जागरूक नहीं दिख रहे, जगाओ उन्हें, सोने मत दो उन्हें, जगाओ उन्हें, बताओ कि भगवान तुम्हारे लिए आए हैं, तुम सनातनी हो, तुम भगवान के लिए आए हो, इसलिए अच्छा काम करो, करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। बोलो राधे राधे।